सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइस, आप में से यार बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भाई अभी रिसेंटली गेम खेलना स्टार्ट किया होगा, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास यार एक ढंग के कंट्रोल्स नहीं है, जिनकी वजह से भाई आप अच्छा खासा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हो। तो भाई ये वाला जो वीडियो है ना भाई, बिल्कुल तुम्हारे लिए होने वाला है। इसमें भाई मैं कंट्रोल्स तो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसी के साथ में तुम्हें आगे चल के भाई कंट्रोल कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि भाई तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीधा कोड डालो एंड तुम्हारे कंट्रोल जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। एंड भाई देखो, ये जो कंट्रोल कोड है ना भाई, ये BGMI में भी काम करने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप देख ही सकते हो भाई BGMI यहाँ पे तुम्हारा भाई खेल रहा है। तो भाई वो जो हर बार इशू होता है ना भाई, कंट्रोल कोड काम नहीं करता है, तो भाई होपफुली इस बार वो इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि BGMI का कंट्रोल कोड है और BGMI में डालोगे तो चल ही जाना चाहिए। बाकी बातें बहुत कर ली, अभी तक लाइक नहीं किया है ना भाई तो लाइक जरूर से कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। ओके यार गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल्स मेरे आपको दिख रहे होंगे, भी हैंड कैम हटा के भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि वो जो उसके छुपे हुए बटन है ना वो भी आपको दिख जाए। बाकी यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है ना भाई बटन्स की, वो मैंने बिल्कुल बढ़ा दी है, ताकि भाई आपको अच्छे से दिख जाए। पिछली बार किसी ने कमेंट किया था कि भाई जॉयस्टिक की जो ट्रांसपेरेंसी ना वो भी बढ़ा के रखा करो, ताकि जॉयस्टिक भी हमें दिखती रहे। तो यहाँ पे भाई बढ़ा दिए मैंने जॉयस्टिक की ट्रांसपेरेंसी एंड आई गेस अभी सारे बटन्स जो है आपको दिख रहे होंगे, बाकी फायर बटन भी अभी आगे चल के आपको दिख जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो स्कोप का बटन है ना, वो मैंने भाई एकदम ऊपर रख रखा है, क्योंकि वही भाई इसकी बेस्ट जगह होती है अगर आप फोर फिंगर क्लॉ खेल रहे हो तो। एंड जी हाँ गाइज़, ये वाला जो कंट्रोल है ना पूरा फोर फिंगर क्लॉ रहने वाला है। तो अगर आप थ्री फिंगर खेलते थे, टू फिंगर खेलते थे, तो मैं जस्ट ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई ये स्विच कर लो तुम्हारा गेम प्ले एकदम भयंकर हो जाएगा। जस्ट तुम एक बार ट्राई करके देखना है, दो दिन तुम्हें खेल के देखना है एंड ट्रस्ट मी गाइस, दो दिन अगर तुम इसमें अच्छे से खेल लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, तो भाई ये वाले जो कंट्रोल्स है ना बेस्ट कंट्रोल्स तुम्हारे लिए रहने वाले हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ज्यादातर जो बटन्स है ना भाई, वो हमारे राइट थंब पे आ जाते हैं। आप सभी को पता होगा भाई, थंब से ज्यादा कोई भी फिंगर है ना हमारी फास्ट काम कर ही नहीं सकती है। लाइक जो ऊपर वाली इंडेक्स फिंगर्स होती है ना भाई, वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है अगर उन्हें कंपेयर करें हम थंब से। तो यहाँ पे थंब पे है ना मैंने ज्यादातर बटन्स प्लेस कर रखे हैं एंड अगर आपकी थंब की जो स्पीड है ना भाई, जो आपकी मसल मेमोरी वो अच्छी खासी होगी, तो भाई बहुत ज्यादा सही है आपके लिए रहने वाला है। कि जो मेरे प्रोन के बटन, जंप के बटन, क्राउच के बटन और पीक के बटन जो है ना भाई, वो देख सकते हो मेरे राइट थंब पे मैंने रख रखे हैं। तो यहाँ पे भाई एकदम कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होती है, फटाफट से मैं सारे बटन्स को यहाँ पे दबा सकता हूँ। एंड बात करें अगर फायर बटन की, तो भाई वो तो जगह ज़्यादातर बंदों की सेम ही रहती है, लाइक जो लेफ्ट साइड में हमारा कॉर्नर पे होता है अपर में, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप इजीली फायर कर पाओगे। एंड जॉयस्टिक की अगर बात करें, तो यहाँ पे भाई साइज मेरा कोई फिक्स नहीं रहता है, मैं कोई भी साइज यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ताकि आप सबको मैं अच्छे से बता पाऊँ कि कौन सी जॉयस्टिक कैसे काम कर सकती है, तो मैं वैसे उनको चेंज करता रहता हूँ। तो जॉयस्टिक के ऊपर तो ध्यान देना ही मत, बाकी उसकी प्लेस जो है ना भाई वो देख सकते हो, मैंने जस्ट अपना फ़ोन पकड़ा, आँख बंद करी, मैंने जहाँ पे मेरा थंब सबसे पहले गया ना, वहाँ पे मैंने अपनी जॉयस्टिक प्लेस कर दी। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जॉयस्टिक की प्लेसमेंट से अगर आप फर्स्ट लेआउट में खेल रहे हो, बाकी फिर मैंने आपको जस्ट बता दिया। एंड गाइस यहाँ पे आप मेरी वेपन्स के बटन्स देख सकते हो, तो उन्हें मैंने साइड बाय साइड से हटा के अप एंड डाउन कर दिया, क्योंकि साइड बाय साइड में भाई जो आपका थंब होता है ना, जिससे आप सेलेक्ट करोगे गन, उसे भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है और भाई पूरी स्क्रीन हमारी हिल जाती है, और इतना ज़्यादा एक्यूरेट और इतना ज़्यादा फ्लुएंटली वो काम नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई भाई मैंने इनको जो है अप एंड डाउन रख दिया है, और अभी भाई एकदम मक्खन काम करता है, फटाफट से हमारा वेपन स्विच होता है और हमारा भाई एम भी चोक ऐसे में नहीं होता है। एंड गाइस अगर आप मेरे कंट्रोल्स कॉपी नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी भाई अपने खुद के कंट्रोल्स में ये वाली चीज जरूर से इंप्लीमेंट करना, बहुत ज्यादा आपको फर्क दिखने वाला है। अगर आप में वेपन्स में कभी अटक जाते हो, कभी आपकी गन्स वगैरह सिंगल पे हो जाती है, तो ये वाली चीज आप कर लोगे ना, तो ज्यादातर जो है ना आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस आई गेस अभी तक मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना, लाइक जॉयस्टिक, फायर का बटन, स्कोप का बटन, पीक, जंप प्रोन और क्राउच के बटन एंड वेपन्स वाले बटन, वो मैंने आपको बता दिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक उसी से हमारा जो क्लॉ है ना वो डिफरेंशिएट होता है, लेकिन बाकी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, लाइक FPP का बटन कहां पे रखना है, मैप आपको कहां पे रखना है, आपका चैट का बटन आपको कहां रखना है, बैग आपको कहां रखना है, वो अपने हिसाब से आप देख लेना। लाइक आपको जहां पे अच्छा लगे ना, जहां पे सूटेबल आपको लगे, तो वहां पे आप रख सकते हो, अदरवाइज मैंने भी भाई सही जगह पे रख रखा है। तो ये अगर आपको पसंद आ जाए ना, तो ये वाला सबसे बेस्ट होने वाला है। तो आई गेस मैंने सारा कंट्रोल आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है एंड यहाँ पे हैंड कैम भी आपको दिख रहा है कैसे आपको यूज़ करना है, वो ज़रूर से देख लेना भाई, मतलब हर कंट्रोल अलग तरीके से यूज़ होता है, तो उसको ज़रूर से देख लेना कब मैं कैसा कौन सा बटन दबा रहा हूँ। एंड यहाँ पे भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरा जो स्कोप का बटन है ना और भाई पीक का बटन है, वो भाई होल्ड पे मैंने रखे हुए हैं। लाइक जब तक उनको मैं प्रेस करके रखूंगा ना, तब तक ही वो काम करने वाले हैं, जैसे मैं उन पे से अपनी उंगली हटा लूंगा तो भाई वो भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में भाई जो चोक होती है ना, कभी कभी हमारा स्कोप खुला रह जाता है, पीक हमारी अटक जाती है ओपन में, तो वो सारी चोक है ना भाई इससे नहीं होती है, दैट्स व्हाई मैंने उन्हें होल्ड पे रख रखा है। तो आप देख लेना, ज़्यादातर अगर आप होल्ड पे रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। एंड यहाँ पे पीक एंड ओपन स्कोप, लाइक पीक दबाते ही हमारा जो स्कोप खुल जाता है ना, वो मैंने ऑफ कर रखा है।
तो यहाँ पे भाई स्कोप के साथ में आपको पी की बटन दबानी पड़ेगी, तब जाके वो अच्छे से फ्लुएंटली काम कर पाएगा एंड भाई लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिल पाएगा यहाँ पे। एंड गाइस जो कंट्रोल कोड है ना भाई वो आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट आपको अच्छे से कॉपी करना है उसको, सारे नंबर्स अच्छे से देख लेना, सारे जो सिंबल्स होते हैं ना बीच में वो अच्छे से देख लेना, बाकी फिर बाद में तुम बोलोगे कि यार काम नहीं कर रहा है तो मैं भाई बार बार उसको अपडेट नहीं कर सकता हूँ, तो किसी का काम कर गया होगा तो भाई वो परेशान हो जाएगा फालतू, तो अच्छे से कॉपी करना एंड उसको भाई गेम में जाके पेस्ट कर देना एंड आपका जो कंट्रोल है ना भाई वहाँ पे जो है कॉपी हो जाएगा। एंड बाकी अभी तक लाइक नहीं किया है ना भाई तो सबसे पहले वो कर देना, इतनी दूर तक तुम आ गए हो तो लाइक तो बनता है भाई, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए जो कि आपके गेम प्ले को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती रहती है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।